ओपन हो चुका है मेरा। ये बोल रहा है कि न्यू वर्जन अवेलेबल है, तो 4 भी अवेलेबल आ गया है, तो मैंने नहीं किया डाउनलोड। लेटेस्ट वर्जन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंट्रोल एस दबा के फाइल को पहले सेव करूंगा, तो डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ इसको, index.html। html दबा के मैंने टैब मारा था तो आया था। तो हम ईमेट का सेटिंग करते हैं अब। तो टूल में जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ी देर में पॉपअप आ जाएगा कि इंस्टॉल हो गया, मैसेज आ गया है यहाँ पे, पैकेज कंट्रोल वाज सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड। मैं कर दूंगा ओके। फिर आ जाऊंगा प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे है पैकेज कंट्रोल ऑप्शन अब आ गया है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल वाला मैं नीचे सेलेक्ट कर लूँगा ये वाला, और एंटर मार दिया। तो ये नीचे कुछ लिख रहा है, लोडिंग रिपोजिटरी वगैरह। लोडिंग होने देते हैं इसको। आ गया, लोडिंग हो गया। कुछ पॉपअप यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेट, तो ये ईमेट आ गया यहाँ पे। अब ईमेट को मैं सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए फिर से ये इंस्टॉलेशन पैकेज शुरू हो गया। वेट करते हैं, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका, तो ऐसा जो है ऑप्शन आ चुका है, एस इनेबल एलिमेंट्री। सब कुछ मैं बंद करके एक बार चालू करता हूँ, ताकि जो है वो ठीक ठाक इम्प्लीमेंट हो जाए जो है। ये लीजिए, कर दूंगा मैं कैंसिल इसको, ओपन करूंगा मैं। अब यहाँ पे लिखूंगा HTML:5। तो ये देखिए सजेशन अपने आ गया, कि इसको मैं लिख कर टाइप मारूंगा तो ये देखिए डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा। लिखा मैंने HTML:5, टाइप मारा तो अपने आप लिखा गया, तो ये इमेट अब अपने आप काम करने लगेगा। तो अभी हम कुछ HTML का इमेट देख लेते हैं, बाकी CSS वगैरह का ईमेट भी देखेंगे हम। अब मान लीजिए कि मुझे ड्यू लिखना है, ठीक है, तो ड्यू ऐसे लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 ठो ड्यू एक साथ लिखा जाए। तो ड्यू लिखा, टाइप मारूंगा तो अपने आप ड्यू बनेगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, मल्टीप्लाई करके 3 लिख दूंगा, और तो ये देखिए सजेशन अपने आप नीचे आ गया। आप टाइप दबाऊंगा तो 3 बार ड्यू बनेगा। तो यही ईमेट है, ड्यू लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ड्यू में कुछ क्लास अपने आप लिखा जाए, तो डॉट लगाऊंगा और फिर लिख दूंगा, क्या लिख दूँ, माई क्लास। टैब दबाया तो क्लास हो गया। वही चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई हो जाए 5 से, तो प्रेस किया, 5 ठो ड्यू बना और सभी में क्लास जो है इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। तो इसी तरह से जो है हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वीक सिग्नल, मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर? चलिए, ये बोल रहा है रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, सॉरी। 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं अपने कंप्यूटर को ईमेल देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्लास वैल्यू जो है ना लग चुका, फिर यहाँ पे ड्यू करूंगा, और आईडी लगाना है तो ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माई आईडी और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो ये 4 बार, ये देखिए सजेशन आ रहा है, टैब दबाया 4 बार बन गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि सब में यूनिक हो, 1 2 3 4 नंबर लिखा जाए, तो क्या करूँगा मैं, तो आईडी के बाद यहाँ पे दे दूंगा डॉलर, राइट। हैज लिखा, माई आईडी डॉलर दे दिया, टैब मारा 1 लिखा गया, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से या फिर 3 से, तो ये देखिए टैब जैसे ही दबाया तो माई आई डी 1, माई आई डी 2, माई आई डी 3 हो गया। अब इसमें मैं डबल आई डी दे दूँ तो 0 से होगा, ट्रिपल आई डी दे दूँ तो 3 से हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। तो यही है, हम कुछ और बना के देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ड्यू बने, तो टैब दे दूंगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर चाहता हूँ
इसके अंदर एक और ड्यू बने तो क्या लिखूंगा, ड्यू ऐसे। फिर इसके अंदर भी चाहता हूँ ड्यू बने तो ऐसे लिखूंगा। इसके अंदर चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है 3 ठो ड्यू बने तो ऐसे लिख दूंगा। सजेशन में यहाँ पे दे ही दे रहा है, टाइप मारा बन गया ऐसे। तो इस तरह से ऐसे बन जाएगा ड्यू लिखा। मैं चाहता हूँ कि इसके पैरलर 2 ठो ड्यू बने तो प्लस दबा के ड्यू कर दूंगा, फिर प्लस दबा के ड्यू कर दूंगा, टैब मारा तो एक ड्यू बना, फिर ये ड्यू बना, फिर ये ड्यू बना, इसी तरह से बनेगा। और कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये देखिए ड्यू लिखूंगा, इसके अंदर एक ड्यू और होना चाहिए, इसके अंदर एक ड्यू और होना चाहिए, इसके अंदर पैराग्राफ टाइप होना चाहिए 5 ठो। मल्टीप्लाई पैराग्राफ लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ऐसे बनेगा। अब मान लीजिए इतना तो मैंने बना लिया, इतना इस तरह से बनेगा। अब इसके मैं चाहता हूँ कि यही ड्यू एक बार और बन जाए, ये ड्यू है, इसके बाद भी कुछ मैं चाहता हूँ बनाना, तो इसको प्लस के साइन से ऐसे मैं कर दूंगा, ब्रैकेट दे करके बंद करूंगा। फिर क्या करूंगा, प्लस का साइन दूंगा, फिर एक ड्यू ऐसे कर दूंगा, फिर यहाँ पे ड्यू ऐसे कर दूंगा, टैब मार दूंगा ऐसे, ऐसे करूंगा और क्या मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए। अब इसको भी मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस से बंद कर दूंगा, टैब मारा, ये देखिए बन गया, ये ड्यू के अंदर इतना बन गया, फिर इस ड्यू के अंदर जो है एक ड्यू और बन गया। तो इसी तरह से जो है हम करते हैं काम, जैसे बूटस्ट्रैप में हमें कुछ देना होता है तो यहाँ पे ले लूंगा, क्लास में कंटेनर हो गया, फिर इसके अंदर बनेगा ड्यू डॉट रो बनेगा, फिर इसके अंदर एक ड्यू बनेगा, वो क्या बनेगा, डॉट col कॉल हाइफन md हाइफन 4 कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 * 12 तो 3 ड्यू बना दूंगा, टैब मार दूंगा, तो देखिए कंटेनर बना, रो बना, कॉलम बन गया। तो इसी तरह से बनाएंगे, ये ईमेट है। मान लीजिए मुझे टेबल बनाना है, ठीक, तो क्या करूँगा, टेबल लिख दूंगा, फिर क्या करूँगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टी हेड, THEAD, टी हेड लिख दूंगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा, टेबल रो, तो ऐसे कर दूंगा, फिर इसके अंदर टी डी में लिखा दूंगा, इधर माउस में आ गया, इसके अंदर मैं टी डी लिख दूंगा, तो ऐसा बनेगा। अब टी डी कितना होना चाहिए, तो 3 ठो होना चाहिए, तो 3 लिख दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो टी हेड है, राइट, टी हेड के पैरलर टी बॉडी होगा, तो क्या करेंगे, हम कर देंगे ऐसे। अभी अगर टैब में मार दूंगा तो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पैरेंथेसिस में दे दूंगा ऐसे, फिर प्लस का साइन दूंगा, फिर पैरेंथेसिस, फिर लिख दूंगा टी बॉडी, ऐसे टी बॉडी लिख दूंगा। इसके अंदर क्या बनना चाहिए, टी आर बनना चाहिए, इसके अंदर क्या बनना चाहिए, टी डी बनना चाहिए, टी डी कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो ये देखिए नीचे भी बनते जा रहा है पूरा स्ट्रक्चर। अब जैसे टैब मारूंगा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, टेबल टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, टी डी के जगह पे टी एच कर सकते हैं टेबल हेडिंग में, और यहाँ टे बॉडी बन गया। तो यही है ईमेट। तो ये तो क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा जो है। इनपुट टैग बनाना है तो इनपुट लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस मारेंगे, ये देखिए इनपुट टैग बन गया, टैब मार देंगे, ऐसे बन जाएगा, ईमेट काम करेगा फिर। तो यही है, तो ये तो समझ में आ गया ना, नहीं आया। मैं आता हूँ गूगल पे, यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे ईमेट चीट सीट लिखूँ मैं, जैसे ही मैं ईमेट चीट सीट, तो ये देखिए पहले लिंक आ गया। सब लोग गूगल से ही देखते हैं, कोई भी जन्म से नहीं सब कुछ ज्ञानी होता है। अब कुछ एक्सेप्शन में आ जाते हैं उनको छोड़ करके, ठीक है।
तो यहाँ पे ईमेट चीट सीट जैसे ही खोला तो यहाँ पे आ गया लिंक, ये लिंक है DUC.S.EMET.IO। थोड़ा लेट लग रहा है खुलने में, ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ईमेट, HTML का दिया है, CSS का दिया है, बहुत सारे दिए हुए हैं ईमेट। ये देखिए इनपुट लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे तो इनपुट टाइप नंबर नेम अपने हो जाएगा, इनपुट टाइप कलर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है, लोग यहीं से देख के जान जाते हैं। ये देखिए जैसे इनपुट यहाँ पे टाइप टेक्स्ट में लिख के टैब मारा, ये देखिए अपने आप बन गया इनपुट, COLOR दिया, एंटर मारा तो ये बन गया। तो यही सब है ईमेट, और क्या होगा। इनपुट क्या मैं लिख दिया, इनपुट CHECK, चेक लिख के मारा, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या, चेकबॉक्स होता है तो चेकबॉक्स बन गया, ऐसे ही होते हैं जो है ये सब। तो यही है ईमेट। OL लिख दूंगा अनऑर्डर, फिर यहाँ पे LI लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 टाइम, टैब मार दिया तो LI बन गया, OL LI। तो यही है ईमेट, थोड़ा काम को आसान कर देता है ये। ईमेट हर जगह काम करेगा, सबलाइन में भी काम कर ही रहा है, VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वहाँ पे भी काम करता ही है, तो ये हर जगह वो काम कर देगा आपको। यहाँ से आप देख लेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, टोटल यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, देखिए बहुत सारा है, इतना सारा है कि याद नहीं कर पाएंगे हम। मैं कुछ कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे AULLI लिखा है, बस इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करके टैब मार दिया तो बन गया ये। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ईमेट, नेविगेशन बार बनाने का, तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करके टैब मार दिया तो नेविगेशन बार बन गया, नेव में ULLI। यही है, यही सब, तो यहीं से लोग देख लेते हैं, ये देख लीजिए बन गया। तो यही है ईमेट, बाकी तो इसमें और कुछ रखा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ईमेट आ गया होगा कुछ समझ में। इस ईमेट का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चीट सीट डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, PDF में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है PDF फाइल में चीट सीट का। तो यही है ईमेट, और कुछ इसमें रखा नहीं है।